दोस्तों यूरोप शंगन के कोई भी देश अगर आप जाने की सोच रहे हैं या यूके के अंदर जाने की सोच रहे हैं तो ये दोस्तों टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है। क्योंकि दोस्तों अब जो सिस्टम है, अब जिस टाइम जो अगर आप वीजा अप्लाई करोगे तो क्रिसमस का आप रीजन डाल के आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दिसंबर के अंदर लास्ट में जो क्रिसमस का दोस्तों रीजन है, क्रिसमस के जो फेस्टिवल है उसका आप रीजन डाल के उसको देखने के लिए आप शानगन के अंदर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं और यूके के अंदर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों यूरोप के अंदर अगर आप वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हो, यूके के अंदर अपना वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हो तो ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दोस्तों क्रिसमस के जो दिन होते हैं वो बहुत बड़े दिन होते हैं यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, अच्छी जो कंट्री है कनाडा, यूएस, सारी जगह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लेकिन ये आज जो वीडियो है ये उनके लिए स्पेशल है, यूरोप शानगन वालों के लिए और यूके वालों के लिए। क्योंकि अगर अभी से हम अपना वीजा अप्लाई करेंगे तो तभी हमारा जो फाइल अप्लाई होते भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं और 1 महीने का जो टाइम है एम्बेसी को देके चलते हैं और अक्टूबर के अंदर लास्ट तक यानी कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा अगर हम अभी अप्लाई करेंगे, या 10 से 20 दिन के अंदर भी हम अप्लाई करेंगे तो नवंबर तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा और अगर हम हमारा वीजा आ जाता है और तभी हम दोस्तों अपना दिसंबर के जो क्रिसमस के दिन है उस पे हम ट्रैवल कर सकेंगे यूरोप के अंदर और यूके वाले यूके के अंदर। दोस्तों जो क्रिसमस के दिन है ये बहुत बड़ा रीजन होता है, एक वीजा लेने का एक सिस्टम होता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे यानी कि ठंड हो जाती है। वैसे तो अभी से इन देशों के अंदर ठंड काफी बढ़ गई है, यूके में भी, यूरोप के अंदर में भी, और धीरे धीरे वहां पे 1 महीने तक वहां पे बर्फ भी, जो आइस है, स्नेह है, वो पड़ने लग जाएगी। लेकिन इसके बीच में एक ये जाने का क्रिसमस का एक मुद्दा होता है, कुछ लोग जो ट्रेवल करते रहते हैं उनको तो पता ही होगा। क्रिसमस के बाद फिर 2 से 3 महीने तकरीबन मार्च या अप्रैल के बाद ही जो समर सीजन शुरू होता है उसके अंदर हम अपना वीजा अप्लाई करते हैं, समर सीजन का हम एक यानी कि रीजन डाल के। तो बेस्ट यही है, या तो फिर आपको ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, फिर अगले सीजन में चले जाओगे। जो लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट है कि वो 1 महीने के अंदर अपनी फाइलें, यूरोप जाने वालों यूरोप के अंदर अपनी वीजा अप्लाई करें, और यूके जाने वालों को भी कह रहा हूं मैं कि यूके जाने वालों आप भी इस सिस्टम के अंदर आप टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप लोग भी अप्लाई करें जल्दी से जल्द। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है तो मेरा हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। किसी भी तरह का आपने वीजा अप्लाई करना है मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपका वीजा भी अप्लाई करवा देंगे। इसके अलावा दोस्तों इन वीजों के ऊपर जाके अगर आप एल साल्वाडोर, मैक्स वाली साइड भी ट्रेवल करना चाहते हैं तो वहां पे भी इन वीजों की काफी पावर है, आपको आगे का वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे भी दोस्तों आप ट्रेवल कर सकेंगे। ये सभी के लिए बेस्ट गुड न्यूज है। जल्दी से जल्दी दोस्तों जो यहाँ पे वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द अपना वीजा अप्लाई करें। किसी भी तरह की समझ नहीं आती है तो व्हाट्सएप पे मुझे दोस्तों मैसेज कर लीजिए। आज की ये वीडियो बताना कैसी लगी, मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।